ये देखिए अभी का कुछ व्यू। गाइस यहाँ पे एक बड़े से देख सकते हैं बजरंगबली, और ये देखिए डीजे जो कि अभी कवर किया हुआ है, ये रहा गाइस, लेकिन इसका नाम नहीं मालूम क्योंकि अभी ढका हुआ है। तो ये इसका डीजे है, और ये देखिए डीजे, ये जो सेटअप मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये ट्रैक्टर में बांधा हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली में, देखते हैं। ये देखिए शायद कुछ लाइटिंग वाइटिंग का कनेक्शन हो रहा, देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा व्यू मैं आपको दिखा दिया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि मैं अभी हूँ डाल्टनगंज में। तो आज है गाइस 17 तारीख और आज है रामनवमी। तो मैं हर बार आपको नहीं बोलता हूँ, मैं बस इस व्लॉग में बोल रहा हूँ कि आप लोग हर कोई जो देख रहे हैं एक बार जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखना। मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ, तो आज तो यार प्लीज़ बनता है, ठीक है, जय श्री राम जरूर लिखिएगा कमेंट में। और हाँ गाइस, आज को डाल्टनगंज में बहुत ही बड़ा एक रोड शो होने वाला है, जो कि आप सभी को तो पता होगा जितने भी डीजे लवर्स मेरा वीडियो देखते हैं। तो आज मैं सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत सारा बड़ा बड़ा डीजे आया हुआ है हमारे झारखंड से, डीजे सार्जन, पंकज, भोले, बहुत सारा बड़ा बड़ा सेटअप आया, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और शायद हो सकता है कॉम्पिटिशन भी होने वाला है, तो सब कुछ का आपको अपडेट मिल जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं अभी शाम का वक्त है, अभी मैं एक पार्क में यहाँ पे खाली था, तो यहाँ पे मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या तैयारी हो रहा है, कौन सा डीजे अभी क्या मतलब कंडीशन में क्या हो रहा है। तो आप लोग अगर कोई भी मेरा चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि मैं हर डीजे का मैं अपडेट मैं देता रहता हूँ। और हाँ यार, बस कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी है, मेरा 10K हो जाएगा, तो यार प्लीज़ सपोर्ट करिए, नीचे में सब्सक्राइब बटन है, जाके सपोर्ट करिए। और बहुत सारा अभी कंटिन्यू मैं अभी व्लॉग डालते रहूँगा क्या क्या हो रहा है। तो चलिए, ज़्यादा मैं बोल के लंबा नहीं करूँगा, मिलते हैं आपको आगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ मेन रोड पर, और आप लोग देख सकते हैं पूरा डाल्टनगंज आज भगवा कलर में, मतलब क्या बोलते हैं, पूरा भगवा ही भगवा आज दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पे आगे में सेटअप दिख रहा है, ये देखिए पता नहीं कौन सा डीजे है, अभी तो कवर किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, आप लोग बने रहिए। अभी मैं जा रहा हूँ डीजे साजन के पास, ठीक है, डीजे साजन यहीं पे जस्ट आगे में ही है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या कंडीशन है, अभी क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये रोड में ये है चौक एक है, ठीक है, डीजे साजन को मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि अभी क्या वहाँ पे हो रहा है, क्या तैयारी हुआ है, ठीक है। और यार आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, डीजे सार्जन और जय भोले का कंपटीशन हुआ था, उसका वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है, नहीं देखा तो जाकर देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूं डीजे सार्जन के पास, और यहां पे बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं, ये देखें यहां पे बहुत सारा ऑडियंस है, और ये देखिए डीजे सार्जन इधर है, ये देखिए अभी का कुछ व्यू, अभी शायद कुछ वायर कनेक्शन हो रहा है शायद। तो ये देखिए सामने से नज़ारा अभी का, ये देखिए ये रहा गाड़ी जिसमें लोडिंग करके आया हुआ था, और ये देखिए साइड रेस्ट हो रहा है, और ये देखिए यहाँ पे आगे में मैं आपको दिखाता हूँ एम्पलीफायर सब सारा, ये रहा, ये देखिए, और ये रहा डीजी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको डीजे साजन का अभी मैं लाइव दिखा दिया आपको, अब मैं आपको और दिखाता हूँ, और भी आगे में बहुत सारा सेटअप है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा डीजे है। अभी मैं इस ब्लॉग में बस वही सब दिखाऊंगा, जितना भी रोड में हमको मिलेगा सब कुछ आपको दिखाऊंगा मैं, और बाकी रात में तो वीडियो आएगा ही। और अभी शाम के हो रहे हैं 3:30, और रोड शो स्टार्ट होने वाला है 5 बजे से, तो वेट करते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से वही चौक पे आ गया, मैं अभी उस साइड से आया था पार्क साइड से, उधर स्टेशन है, और मैंने अभी आपको दिखाया डीजे साजन जो कि इस साइड है, और इस साइड में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए कौन सा एक दिख रहा है, देखते हैं सामने से। गाइस यहाँ पे एक बड़े से देख सकते हैं बजरंगबली, क्या ही प्यारा लग रहा है, जय श्री राम। और ये देखिए डीजे जो कि अभी कवर किया हुआ है, ये रहा गाइस, लेकिन इसका नाम नहीं मालूम क्योंकि अभी ढका हुआ है, तो रात को जब रोड से होगा तब मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और चलिए अभी चलते हैं इस साइड, और भी बहुत सारा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अभी हमको दिखा एक डीजे, देखिए वो देखिए आ रहा है,
जो कि बजते हुए आ रहा है, तो देखते हैं कौन सा डीजे है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये वही वाला जगह है जो कि कल रात को कॉम्पिटिशन हुआ था, जय भोले वहाँ पे था और डीजे साजन यहाँ पे था और हम लोग यहीं यहीं पे थे। और ये देखिए ये जो घर है ना, उसका मतलब थोड़ा थोड़ा डस्ट भी मतलब गिर रहा था, बहुत सारा यहाँ पे लोग था तो हम लोग ऑब्जर्व किए थे। और ये देखिए ये वाला भी जो है ना, ये एक होटल है, इसका ये सब पूरा गेट से पूरा हिल रहा था और यहीं पे हो रहा था कंपटीशन, जो कि हम वो वाला छत में जाकर रिकॉर्डिंग किए थे। ये देखिए ये वाला लोकेशन था। और आज को रात को फिर से यहाँ पे पूरा भीड़ होने वाला है। और वो देखिए वहाँ पे कौन सा सेटअप है, देखते हैं आगे क्या है। सो फ्रेंड्स आ गए हम डीजे के नज़दीक, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा डीजे है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार कर लो प्लीज़, मुझे 10K सब्सक्राइबर चाहिए आज के अंदर, तो जब कुछ ही बाकी है जाके कर दो। और ये देखिए ये इसका डीजे है, और ये देखिए डीजे पवन पुत्र। वाव देखिए फ्रेंड्स, जय श्री राम का, जय श्री राम। तो यार बस थोड़ा सा ही आ गया है, वो देखिए मेरा पीछे वो वाला डीजे, और थोड़ा सा ही आ गया है तो देख रहे हैं फिर से और एक देखिए डीजे है, और ये भी बजते हुए आ रहा, तो देखते हैं ये कौन सा डीजे है। मतलब इतना डीजे आया है इस बार डाल्टनगंज की मत ही पूछिए। तो आप ही लोग का अच्छा है, जितने भी लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं तो आप लोग लाइव आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। और ये जो सेटअप मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये ट्रैक्टर में बांधा हुआ है, ट्रैक्टर ट्रोली में, देखते हैं। आपको जितना भी डीजे दिखाया ना, ये तो अभी कुछ नहीं, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी शाम को देखेगा आप लोग क्राउड। अभी ये सब मतलब डीजे जा रहा अपना जगह में, जहाँ जहाँ मतलब बुलाया गया है बजा के जा रहा है मतलब। और शाम के टाइम में तो यार क्या ही बोले, खत्म है आज। तो फ्रेंड्स अभी हम और भी आगे गए थे तो हमको उतना कुछ और सेटअप दिखा नहीं, लेकिन है बहुत सारा, लेकिन कहाँ है पता नहीं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं डीजे सार्जन के पास, ठीक है। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि डीजे पंकज को दिखाओ, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। मैं आपको दिखा इसलिए नहीं पा रहा हूँ ना, क्योंकि वो थोड़ा दूर पे है, 5 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस में है, और बाकी जितना भी है ना सब यहीं पे आसपास में है, तो बस खाली डीजे पंकज ही थोड़ा दूर पे है, इसीलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो दिखाएंगे पक्का, ठीक है। हो सकता है तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा या फिर कोई और ब्लॉग में दिखाऊंगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा पक्का। तो फ्रेंड्स हम जा रहे थे डीजे साजन के पास, और हमको अभी देखने को मिला जय भोले। ये देखिए शायद कुछ लाइटिंग वाइटिंग का कनेक्शन हो रहा, देखते हैं। यहाँ पे रुका हुआ है अभी तैयारी चल रहा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद रोड शो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा व्यू मैं आपको दिखा दिया, पूरा सेटअप का बहुत ही बड़ा है। आपको कैमरा में ये मैं वाइड एंगल में किया हूँ इसीलिए आपको लग रहा है। ये देखिए ये ONX का व्यू है, ये देखिए जय भोले। तो फ्रेंड्स आ गए डीजे साजन के पास, और अभी तक इतना जगह हम घूमे ना, तो जहाँ जितना यहाँ पे भीड़ है ना, उतना कहीं पे हमको भीड़ दिख ही नहीं रहा। मतलब यार क्रेज है डीजे साजन का, मानना पड़ेगा। अभी ट्रेंडिंग नंबर 1 में अभी डीजे साजन ही है हमारा झारखंड में। बस और कुछ ही देर बाद रोड शो स्टार्ट होने वाला है, तो हम भी फोन अपना चार्ज में लगाएंगे। तो इस ब्लॉग में एंड कर रहा हूँ, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लो यार, आगे 10K कराना है। तो चले मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।